इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास पर आए नए मेहमान की उन्होंने झलक दिखाई है। पीएम आवास में एक बछड़े ने जन्म लिया, जिसकी तस्वीर उन्होंने शेयर की है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी का प्रकृति से प्रेम किसी से छिपा नहीं है, वो जानवरों से भी बेहद प्यार करते हैं। पीएम आवास से उनके पहले भी कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो मोर को दाना खिलाते हुए नजर आए थे। अब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक और नया वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री आवास में नए मेहमान की एंट्री हुई है। वीडियो में पीएम मोदी के हाथ में गाय का बछड़ा है। पीएम मोदी उसके साथ दुलार कर रहे हैं, उसके माथे को सहला रहे हैं, उसे गोद में पकड़कर घुमा रहे हैं। पीएम आवास के अंदर वो माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बछड़े को ले जाते हैं, उसके गले में फूल माला पहनाते हैं, उसके ऊपर कपड़ा रखते हैं। तस्वीरों में ये खास पल कैद हुए हैं। पीएम अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जानवरों को देखकर वो उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। पीएम ने बछड़े के साथ जैसे ही एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर किया, वो देखते ही देखते वायरल हो गया। पीएम ने बछड़े का नाम दीप ज्योति रखा है। पीएम ने लिखा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गांव है सर्व सुखा प्रदा। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौ माता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है, इसीलिए मैंने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के घर एक नया मेहमान आया है, जिसका वीडियो पीएम मोदी ने शेयर किया। वीडियो में पीएम मोदी के हाथ में एक गाय का बछड़ा नजर आया। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने बताया कि प्रिय गौ माता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसका नाम उन्होंने दीप ज्योति रखा। कुछ वक्त पहले पीएम मोदी का पीएम आवास से एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें वो राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना चुगाते नजर आ रहे थे, जो पीएम का मोर के प्रति अपना स्नेह जाहिर कर रहा था। ये वीडियो भी बेहद मन मोहने वाला था। इसमें पीएम गार्डन में चहलकदमी कर रहे थे और मोर पंख फैलाए वहां पर घूम रहा था। वो कई बार मोर के साथ दिख चुके हैं। प्रकृति के साथ प्रेम के चलते ही पीएम अक्सर पशु पक्षियों के साथ दिखाई देते हैं और लोगों को भी प्रकृति से जुड़ने का संदेश देते हैं। इसी साल मार्च के महीने में पीएम मोदी असम के कांजीरंग नेशनल पार्क गए थे, जहां से उनकी जंगल सफारी की तस्वीरें सामने आई थी। यहां उन्होंने हाथी पर सवारी की थी, उसके बाद उसी रेंज के अंदर जीप सफारी की। पीएम के साथ पार्क निदेशक और दूसरे वन अधिकारी भी गए थे। पीएम मोदी करीब 2 घंटे तक काजीरंगा नेशनल पार्क में रहे। काजीरंगा में कई प्रजातियों के जानवर रहते हैं। यहाँ बंगाल टाइगर और राइनो की संख्या भी ज्यादा है। अब ये तस्वीरें देखिए। साल 2022 में नामीबिया से चीतों को लाया गया था, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ये भी बड़ा ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि देश की धरती पर चीतों ने 70 साल बाद कदम रखा था। खुद पीएम मोदी ने चीतों को बाड़े में छोड़ा था। चीता प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से 8 चीतों को खास प्लेन में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। साल 1952 में चीते को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। पीएम मोदी पिछले साल अप्रैल के महीने में कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क भी गए थे। उन्होंने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा किया था। यहाँ भी उनका पशु प्रेम देखने को मिला। उन्होंने हाथियों को दुलार किया और उन्हें गन्ना भी खिलाया। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने फोटोग्राफी भी की थी। दूरबीन से पार्क के आसपास के नजारों को भी देखा। उनका ये दौरा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।